नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि माता को 9 दिन कौन कौन से फूल हमें चढ़ाने चाहिए। हर दिन के हिसाब से माँ को एक अलग फूल चढ़ाना चाहिए हमें। वैसे तो हम जो भी फूल चढ़ाएं माँ प्रसन्न होंगी, श्रद्धा से चढ़ाई हुई हर चीज़ माँ को प्रसन्न करती है। लेकिन अगर हम उनके पसंद के फूल हर दिन चढ़ाएं तो और भी अच्छा रहेगा। हो सकता है ये फूल हमारे गार्डन में ही हो। तो 9 दिन कौन कौन से फूल माँ को पसंद हैं, इसके ऊपर ये वीडियो है। ये मेरे कुछ प्लांट्स हैं जो जब भी कुछ इस तरह से त्यौहार होता है तो मैं अपने फूल वाले जो प्लांट्स हैं वो मंदिर में ही रख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर रखे हैं, इस तरह से मैंने सजाया है अपना जो माँ की चौकी है। तो आप देख सकते हैं मैंने जो हाथों से मूर्ति बनाई थी वो मैंने लगाई है। हमारे यहाँ मिट्टी से बनाकर मूर्ति 9 दिन रखते हैं, तो यहाँ पर मिट्टी तो नहीं थी मेरे पास चिकनी, तो मैंने कागज़ से ही बनाई मूर्ति। उसका वीडियो भी डाला है मैंने अपने दूसरे चैनल पर, और कुछ प्लांट्स भी मैंने लगाए हैं तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। बहुत अच्छी खुशबू भी आती है जब रियल प्लांट्स रखते हैं मंदिर में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, और माँ शैलपुत्री को गुड़हल के फूल बहुत पसंद हैं। लाल रंग के फूल बहुत ज़्यादा प्रिय हैं माँ को, तो गुड़हल के फूल ज़रूर आपके घर में हो सकता है मिल जाएंगे। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, और माता ब्रह्मचारिणी को गुलदावदी के फूल बहुत पसंद हैं, तो हो सके तो गुलदावदी के पुष्प दूसरे दिन माता पर चढ़ाइए। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, और माँ चंद्रघंटा को कमल के पुष्प बहुत पसंद हैं। कमल के पुष्प अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से ले लीजिए। चौथे दिन माँ कुष्ठमांडा की पूजा की जाती है, जिनको चमेली के फूल बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो हो सके तो चमेली के फूल माता कुष्ठमांडा को चढ़ाइए, बहुत ही अच्छा रहेगा, माँ प्रसन्न होंगी। अगले दिन पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है, जिनको पीले रंग के फूल आप चढ़ा सकते हैं। माँ स्कंद माता को पीले रंग के फूल बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो कोई भी पीले रंग के फूल आप चढ़ा सकते हैं। अगले दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, और माँ कात्यायनी को गेंदे के फूल बहुत ज़्यादा पसंद हैं। ये मार्केट में भी आसानी से मिल जाते हैं, हो सकता है आपके घर में भी हों। अगले दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, और माँ कालरात्रि को कृष्ण कमल के फूल बहुत प्रिय हैं, तो हो सकता है आपके घर में कृष्ण कमल की बेल हो तो आप कृष्ण कमल का फूल माँ को चढ़ाइए। उससे अगले दिन महागौरी की पूजा की जाती है, जिनको बेला के फूल बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, खुशबूदार बेला के फूल, तो आप महागौरी के दिन वो वाले फूल उन पर चढ़ाइए। नौवें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जिनको चंपा के फूल बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो नौवें दिन सिद्धिदात्री पर आप चंपा के फूल चढ़ाइए तो माँ अति प्रसन्न होंगी। और तो दोस्तों, प्रतिदिन आप अपराजिता और गुड़हल के फूल तो माता पर चढ़ाइए ही, ये तो बहुत ही शुभ होते हैं और माँ को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। तो दोस्तों, इनमें से जो भी फूल आपके पास हों तो उस दिन आप वो चढ़ाइए, और जो भी आप चढ़ाएंगे खैर माँ तो प्रसन्न ही होंगी। ये वीडियो था थोड़ी जानकारी के लिए, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।